गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज है एकादशी और अब मैं देखो तैयार हो गई हूँ, नहा ली और अब मुझे जाना है। कहाँ जाना है आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे एकादशी के व्रत का पूरा उद्यापन, कैसे कैसे उसका पूरा, जब जो फास्ट करते हैं वो उसको कैसे उद्यापन करते हैं उसका। हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आपका अपने चैनल अमिता मलिक व्लॉग्स में सबका स्वागत है। और दोबारा से आज सबको हैप्पी एकादशी फ्रेंड्स। और आज एकादशी का है, मेरी मदर इन लॉ भी फास्ट करती हैं और वो गए हुए हैं और वो जा चुकी हैं और मुझे जाना है। मैं तैयार हो गई हूँ, बच्चों को स्कूल से आना था, वेट वगैरह कर रही थी। और वहाँ हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे एकादशी के व्रत का उद्यापन करते हैं जो लोग फास्ट करते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी करती हैं, वो भी किसी एकादशी पे करेंगी। तो आज मैं जा रही हूँ, एक आंटी हैं उनके यहाँ उद्यापन है एकादशी का। आज कैसे कैसे कीर्तन, क्या क्या विधि हैं वो सब आंटी से पूछते हैं और वहाँ देखते हैं क्या क्या हो रहा है और एकादशी के कीर्तन का आनंद लेते हैं। तो चलो अब मेरे साथ चलते हैं फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और बच्चे अभी नहीं जा रहे हैं, वो बाद में जाएंगे। तो चलो लेट्स गो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो, मैंने पहना है सूट और स्वेटर नहीं पहनी है क्योंकि अभी दोपहर है, ठंड नहीं लग रही है। मैंने अपना कोट ले लिया है बैग में ताकि ठंड लगेगी तो मैं पहन लूँगी। और बच्चों को खाना वगैरह दे दिया है तो देखो, और भाई अब सिर पे चुन्नी कर लूँगी मैं। सर्दियों वाले सूटों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी चुन्नी सिर पे नहीं होती और वहाँ कीर्तन वगैरह है तो मुझे सिर पे चुन्नी करनी पड़ेगी। तो चलो अब देखो, नाउ आई एम रेडी। तो फ्रेंड्स सोनीपत में इतना जाम था, मुझे इतनी देर लग गई वहाँ, मम्मी के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ रह गई, बहुत टाइम लग गया। और देखो कितना ट्रैफिक जाम है, उसके बाद में फाइनली मैं पहुँच गई। और वहाँ देखो ये दरबार सजा हुआ था, आरती वगैरह चल रही थी, भजन कीर्तन वगैरह चल रहे थे और काफ़ी अच्छे अच्छे भजन वगैरह गाए पूरा एकादशी के पहले वाले दिन। छोटी एकादशी या जो एकादशी होती है उस पर यहाँ पर भजन वगैरह होते हैं उद्यापन में और आरती वगैरह होती हैं और तुलसी माता के भजन, एकादशी के भजन काफ़ी सारे गाए। फिर आंटी और मम्मी वगैरह बोलने लगे डांस करो सारी, आंटी की जो जिन आंटी इन्होंने किया हुआ था, इनकी बहू ने भी, मैंने भी, काफ़ी सारे लोगों ने हमने डांस किया और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, काफ़ी इंजॉय किया। तो काफ़ी इंजॉय करने के बाद फिर ये डांस वगैरह की बारी आई, मैंने भी डांस किया। फ्रेंड्स बताना कमेंट करके आप लोगों को मेरा डांस कैसा लगा। Yeah.
तो फ्रेंड्स फिर हम सब लोगों ने भेंट वाला ये भेंट दी, सब लोगों ने जो जो अपनी भेंट चढ़ानी थी वो चढ़ाई, और ये मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह सब ने कहा कि हम जय माता दी करेंगे हम लोगों को भी फटाफट से। और ये देखो मम्मी की सारी मंडली, ये लोग बहुत भजन कीर्तन करते हैं और तीर्थ स्थलों पे, बहुत सारे तीर्थ स्थलों पे जाते हैं। आप लोगों को फिर कभी मिलवाऊंगी इन लोगों से, बहुत सारे मेरी मदर इन लोग भी बहुत सारे तीर्थ स्थल करती हैं, और ये मम्मी की सारी मम्मी की फ्रेंड्स हैं। और इधर ही हम सब लोग गए हुए थे इसे, और मम्मी भी एकादशी का सबका फास्ट था इन सबका। और ये देखो एक आंटी ने और डांस किया, तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं घर आ गई। और मैंने देखो भाई ठंड हो गई थी शाम को, मैंने शॉल वगैरह लिया और चाय चढ़ाई, प्रवीण भी चाय का वेट कर रहे थे। और उसके बाद फिर फटाफट से मैंने वो लड्डू, ये भात वाला बचा हुआ था तो हमने खाया, क्योंकि और छोटे लड्डू वगैरह ख़त्म हो गए थे तो हम इसका वेट कर रहे थे, लास्ट में खाएंगे। और चाय देखो फ्रेंड्स, अपने घर की चाय में तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है, मैं अपनी हाथ की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। और अब मैंने देखो इंडक्शन पर चाय बनाई, तो ठीक है इस पर उबल अच्छी जाती है, स्लो करके छोड़ दो जब तक आप और कोई काम भी कर सकते हो। और ये चाय बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स, और भात का लड्डू, और हम पीते हैं चाय और शाम के टाइम अपने घर की चाय मिले। और देखो फ्रेंड्स ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड्स ये देखो बातचीत के साथ शाम की चाय चल रही है, हाँ देखो मेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं फ्रेंड्स अपनी चाय पी के, एकदम से स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ मैं अपने हाथ की बनाई हुई चाय पी के अदरक वाली एकदम से। और ये मलिक साहब ने उठाया भात का लड्डू, और मैंने सोचा चलो एक बाइट मैं भी लगा ही लेती हूँ, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा था कि मेरे से पूरी बाइट भी नहीं हो पाई। और इसके बाद ही फ्रेंड्स चाय के साथ ही आज के व्लॉग को समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।